हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चों। आपका जब टाइगर किंग के क्वेश्चन आंसर चल रहे थे तो कल 4 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए आप। व्हाट सेलिब्रेशन टू प्लेस एट द 100th टाइगर किलिंग। माने कि जब 100 टाइगर 100 बार जब मार दिया गया तो क्या सेलिब्रेशन मनाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपका है। तो आंसर इसका क्या बनेगा, द डेड टाइगर वॉज ब्रॉट टू द कैपिटल। जब टाइगर को मार दिया गया तो उसको कैपिटल में ला गया, राजधानी में, मतलब प्रतिबंधपुरम में, इन अ प्रोसेसन, एक जुलूस में। द प्रोसेसन वॉज कैरिड टू द टाउन, कस्बे में उसको लाया गया, मतलब कैपिटल में। द टाइगर वॉज बरीड देयर, टाइगर को वहाँ पर दफनाया गया। अ टॉम्ब वॉज मेड ओवर इट, और एक टॉम्ब बना दिया गया, मतलब एक गुंबद बना दिया गया, जैसे कि एक ताजमहल क्या है, एक प्रकार से गुंबद। तो अ टॉम्ब वॉज मेड ओवर इट एटसेट्रा, इसी तरह की और भी चीज हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई वॉज महाराजा सन्क इन ग्लूम। तो महाराज जब मर गया तो महाराज को दुखी होने की जरूरत नहीं थी, फिर भी महाराज क्यों दुख में डूब गए, तो आंसर क्या बनेगा, द महाराजा हैड टेकन अ वो, महाराज ने एक शपथ ली थी टू किल 100 टाइगर्स टू प्रूव द प्रिडिक्शन। जो भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं ने की थी कि बाघों को मारने के सब, तो उन्होंने 100 टाइगरों को मारने के बारे में प्रिडिक्शन किया था, ऑफ हिज डेथ बाय अ टाइगर रॉन्ग, वो गलत सिद्ध हुई। आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, 99 बाघों को मारने के बाद द 100th टाइगर वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, 100 टाइगर कहीं नहीं पाया गया था। दिस मेड हिम सैड, इस बात को लेकर राजा दुखी थे। अब बच्चों, जो आकाश और श्रेष्ठ दास वगैरह जो समस्या थी कि जो एक जो वीडियो बनाया था डीप वाटर का, लेसन का, प्रोज का, तो उसका जो 4th और 5th क्वेश्चन मिस हो गए थे, तो वो दो क्वेश्चन मैं आज आपको लिए यहाँ पर किया, मैंने उनको देखिए। डीप वाटर जो लेसन आपका है उसके क्वेश्चन नंबर ये 4th है और क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बनेगा आपका, व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राउनिंग। जब लेखक डूब रहा था तो उनको क्या सोचना था, उसने क्या सोचा जब वो डूब रहा था। व्हेन द ऑथर वाज ड्राउनिंग, जब लेखक डूब रहा था इन डीप वाटर, गहरे पानी में, ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ह्यूज जंप फाइलिंग अपवर्ड, कि वो काफी ऊपर कूद मारेगा, एंड लाइफ लेट ऑन द वाटर, और पानी की सतह पर एकदम सपाट लेट जाएगा। ही आल्सो थॉट, उसने ये भी सोचा दैट ही वुड स्ट्राइक आउट विद हिज आर्म्स, कि पानी को अलग अलग कर देगा इससे अपनी बाहों से, एंड थ्रस विद लेग्स, और पैरों को पीछे चला के पानी को अलग कर देगा, टू रीच द एज ऑफ द पूल, और इस तरीके से जो पूल है जो वहाँ पर स्विमिंग पूल था उसके किनारे पर पहुँच जाएगा, एंड गॉट सेफ, और इस प्रकार से बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 था जो वीडियो में मिस हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, हाउ डिड द ऑथर फील जस्ट बिफोर ही बिकेम अनकॉन्शियस। थोड़ा यहाँ पर बोर्ड रफ है तो ये अनकॉन्शियस लिखा हुआ है। व्हाट डिड द ऑथर फील, लेखक ने क्या सोचा जस्ट बिफोर ही बिकम अनकॉन्शियस, ठीक पहले जब वो अचेत होने वाला था, उस समय क्या सोचा। द आथर फेल्ट, लेखक ने यह महसूस किया
रिलैक्स्ड, अपने आप को बहुत ही रिलैक्स महसूस किया जस्ट बिफोर ही गॉट अनकॉन्शियस। अचेत होने से पहले उसने आपको रिलैक्स महसूस किया। हिज फियर गॉट वाइप्ड आउट, उसका जो भय था वो समाप्त हो गया था। एंड ही फेल्ट नो पैनिक, और उसके अंदर कोई भी भय के भाव नहीं थे। यहाँ पर बच्चों की नो है, नो पैनिक। ही फेल्ट एज इफ ही वर गोइंग टू स्लीप, उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो सोने जा रहा था। तो बच्चों इस प्रकार से डीप वाटर के जो आपके डिमांड थी कि वीडियो मिस हुआ है कोई एरर के कारण, तो ये फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपको ये करवा दिया। तो आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द रिमेनिंग टू क्वेश्चन ऑफ डीप वाटर। सो सी दैट तो इस प्रकार से मैंने थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा दिया है। थैंक्स फॉर टुडे।